चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक बयान में चीनी सेना को युद्ध की तैयारियों में जुटने के आदेश दिए हैं। जिनपिंग ने कहा है कि चीन इस समय तमाम जोखिमों और चुनौतियों का सामना कर रहा है, लिहाजा पीएलए को युद्धक तैयारियां तेज करनी होंगी। दरअसल पिछले कुछ समय से विश्व के कई हिस्सों में युद्ध के हालात बने हुए हैं। अमेरिका और चीन के बीच चल रहा ट्रेड वॉर भी किसी से छिपा नहीं है। उधर उत्तर कोरिया भी कब अपना रंग बदल दे कोई नहीं कह सकता। ऐसे में चीन की युद्धक तैयारियां तेज करना विश्व के लिए चिंता का विषय है। चीन की सरकारी न्यूज वेबसाइट ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जिनपिंग ने चीन के सामने बढ़ती चुनौतियों का हवाला देते हुए पीपल्स लिबरेशन आर्मी को क्राइसिस अवेयरनेस और युद्ध संबंधी गतिविधियों को बढ़ाने का आदेश दिया है। इसके अलावा इस साल पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए चीन थियानमान चौक पर परेड के जरिए अपनी सैन्य ताकत का भी प्रदर्शन करेगा। परेड में पीएलए की युद्धक क्षमताओं को प्रदर्शित किया जाएगा। जिनपिंग ने पीएलए को चेताते हुए कहा है कि तमाम जोखिम और चुनौतियां बढ़ रही हैं, जिसका सामना करने के लिए युद्धक तैयारियां तेज करने की जरूरत है। फ्रांसीसी भविष्यवक्ता माइकल नास्त्रे दामस के द्वारा की गई भविष्यवाणी क्या सच हो जाएगी? क्या सच में दुनिया तबाह हो जाएगी? क्या बदल जाएगा दुनिया का नक्शा? नास्त्रे दामस की भविष्यवाणी के मुताबिक तीसरा विश्व युद्ध दो सुपर पावर के बीच होगा और यह युद्ध लगभग 27 वर्षों तक चल सकता है। इसके बाद अपनी रणनीति से चीन दुनिया का नया नेता बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।